समूचा भारत देश अपना 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नागपुर शहर में भी गणतंत्र दिन के उपलक्ष्य पर सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर के वेंकटेशम ने नागपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सुरक्षा व्यवस्था जहाँ जहाँ परेड है, जहाँ गैदरिंग है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगा है। पुलिस है वहाँ और RCP, QRT, BDDS भी चेक करेगा उसके जगह पे। और गणतंत्र का सबको शुभेच्छा। के वेंकटेशम, इन्होंने नागपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आह्वान किया है कि किसी भी प्रकार की अनुचित घटना घटने के पहले अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 100 नंबर डायल करें, संबंधित घटना की जानकारी दे और अपनी जिम्मेदारी भी निभाए। देखिए ये रिपोर्ट। और गणतंत्र का सबको शुभेच्छा। जनरल अलर्ट है और हर त्यौहार में अलर्ट का जरूरत है, और जैसा इस बार अलर्ट आया उसके हिसाब से हम व्यवस्था किया है। नागपुर के नागरिकों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आह्वान करना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस अपना स्वतंत्र भारत में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिवस है। इसके दिन अपने को जो फंडामेंटल राइट्स मिला है उसके साथ साथ ही अपने को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51D में जो अपने को दिया हुआ है उसमें अपन बोलते हैं कि देश का सिक्योरिटी रखना भी अपना ड्यूटी है, ऐसा अपन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वो हिसाब से हम लोगों ना ये आह्वान करते हैं कि शांतता रखने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपना रोल अपन निभाना चाहिए। जहाँ जहाँ अपने को दिखता है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो पुलिस को बताना जरूरी है। 100 नंबर पे इमरजेंसी का और नॉन इमरजेंसी के लिए व्हाट्सअप नंबर हमने सर्कुलेट किया है, दूसरा नंबर हम ट्राई कर रहे वो उसमें बता दिया। अपन सब अलर्ट और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जैसा एक्ट किया है तो अपना देश का सुरक्षा में अपन सब सर्वभागी हो सकता और सदरक्षणाय कल निग्रहणाय मध्ये अपन सर्वानी मिलन काम करू शकता। जैसा 31 दिसंबर और जनवरी के 1 जनवरी के दिन व्यवस्था किया था वो प्रमाणे हम व्यवस्था करेंगे। तो उस समय हम लोगों को अपील किया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, चेकिंग इंटेंसिव रहेगा और दारू पी के रोड में धींगाना नहीं करना है, तो लोग सहकार किया है, एकदम शांतते ने अपना पूर्ण राज्य मध्ये नागपुर मध्ये एकदम शांत होता, त्याप्रमाणे यावेळीसुद्धा आम्ही व्यवस्था करू। रॅश ड्रायव्हिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है? रॅश ड्रायव्हिंग के लिए स्पीड गन यूज करके हम केसेस इंटेंसिव किया है, पिछले 10 दिन से चालू है रोड पे, तो वो हिसाब से अभी भी कंटिन्यू रहेगा।